तो दोस्तों, आज भारत के मित्र फ्रांस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आई है और मित्र फ्रांस भारत के एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी तकनीक देने को तैयार हो गया है। दरअसल आप सभी को पता है कि कल ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि जो फ्रांस के राजदूत हैं भारत के अंदर इमैनुअल लेलन जी, उनकी तरफ से ऐसी जानकारी दी गई है कि हम भारत के साथ आगे चलकर कई सारी डिफेंस डील करना चाहते हैं, जिसमें हम भारत के साथ मिलकर भारत के हथियारों का निर्माण करेंगे और इन हथियारों के उपयोग को लेकर भारत के ऊपर हम कोई भी पाबंदियां नहीं लगाएंगे। साथ में हमारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हम भारत को बिना किसी प्रतिबंधों के देंगे, यानी भारत इस तकनीक का उपयोग जहां चाहे वहां कर सकता है। अब दोस्तों, इमैनुअल लेलन जी से भारत के न्यूक्लियर अटैक प्रोग्राम को लेकर जैसे ही सवाल पूछा गया, जिसमें पत्रकारों ने कहा कि क्या फ्रांस भारत के SSN यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम में भारत की सहायता करेगा, तो इसके ऊपर फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेलन का कहना है कि हमारे पास 12 कुला क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जो कि 6 की संख्या में बननी है। एक हमारी नौसेना को प्राप्त हो चुकी है, अन्य 5 और प्राप्त हो जाएंगी, और यदि भारत अपने प्रोजेक्ट 76 अल्फा के तहत हमसे मदद मांगता है तो हम अपनी 12 कुला क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की सारी टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार है। सिर्फ इसके न्यूक्लियर रिएक्टर की जो तकनीक है वो हम भारत को नहीं दे सकते, और यह जो खबर है वो भारत के लिए अच्छी भी है और साथ में मायूस करने वाली भी है, क्योंकि भारत पहली बार स्वदेशी तौर पर SSN को बना रहा है, जिसमें कई सारी ऐसी गैर परमाणु तकनीक हैं जो कि भारत को खुद डेवलप करनी पड़ेगी, और यदि हम फ्रांस की मदद लेते हैं तो हमारा SSN जो प्रोग्राम है वो बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। और रही बात यदि न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो भारत को भले ही फ्रांस न्यूक्लियर रिएक्टर ना दे, हमारे भारत के जो बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च के साइंटिस्ट हैं वो खुद भारत के लिए 190 मेगावाट वाले लाइट वाटर वाटर रिएक्टर को बना रहे हैं, जो कि हमारी पहली SSN न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के अंदर लगाया जाएगा। और यदि फ्रांस बाकी की तकनीक भारत को उपलब्ध करा देता है तो भारत का न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने का जो सपना है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। फिलहाल मैं आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या रहा है और क्या भारत को इस प्रोजेक्ट के अंदर फ्रांस की मदद लेनी चाहिए या फिर स्वदेशी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में। फिर अवस्थी जी का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।